खबर चंपावत से है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा जिला मुख्यालय स्थित राजकीय पुस्तकालय का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने पुस्तकालय अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि पुस्तकालय का समय से संचालन किया जाए और यहाँ पर मौजूद पुस्तकों को अनुक्रमण तालिका में सूचीबद्ध किया जाए। इसके अतिरिक्त जो छात्र छात्रा पुस्तकें घर के लिए भी उपलब्ध कराई जाए ताकि यहाँ पर अध्ययन के लिए आए छात्र छात्रा को कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त छात्रों को पुस्तक घर के लिए भी उपलब्ध कराई जाए। इसके अतिरिक्त श्री पांडे ने कहा कि जो विद्यार्थी रात्रि में भी पुस्तकालय में आकर पढ़ने के इच्छुक हैं उनकी सुविधा के लिए रात्रि में भी एक कार्मिक की ड्यूटी लगाई गई जाए। साथ ही उन्होंने शौचालय की भी नियमित साफ सफाई करने के निर्देश दिए। अधिकारी ने पुस्तकालय में समय समय पर इंट्रैक्शन सेशन चलाए जाने के भी निर्देश खंड शिक्षा अधिकारी को दिए। पुस्तकालय अध्यक्ष ने अवगत कराया कि वर्तमान में पुस्तकालय में लगभग 200 बच्चे प्रतिदिन अध्ययन के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत परिसर में अतिरिक्त भवन का निर्माण के लिए ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा 66 लाख का प्रस्ताव बनाया गया जिसे शासन को भेजा गया। जिलाधिकारी ने कहा जिला पुस्तकालय का विस्तार कर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पुस्तकालय को देखकर तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि वहाँ बच्चे करीब 100-125 बच्चे थे, बड़ी लगन से वहाँ मेहनत कर रहे थे। अब मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री घोषणा भी एक स्वीकृत है और हम उसके विस्तारीकरण के लिए बात कर रहे हैं। उनके लिए और जो बेहतर सुविधाएं हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। जिला अस्पताल में भी मेरा आज पहला विजिट था। काफ़ी आज मतलब देखा करीब 400-450 की पेशेंट्स की ओपीडी थी और उसमें जो वहाँ पे वर्तमान में जो अवस्थापना है उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं इस संबंध में हमारे अभी जो नए वहाँ पे PMS आए हैं उनको हमने निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि अगले 15 दिन में कुछ व्यवस्था सुधार हो जाएगी। खबर भारतवर्ष के लिए चंपावत उत्तराखंड से पार्वती देवी की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।